अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू रिपेयर योर बैडमिंटन रैकेट स्ट्रिंग। व्हेन वन और टू स्ट्रिंग्स आर डैमेज्ड, हाउ कैन यू रिपेयर बाय इटसेल्फ विद इन मिनट्स एंड इन वेरी इजी मेथड। इफ वी सी दैट टू मेनी स्ट्रिंग्स आर डैमेज्ड, then we must have to change the string of whole racket because it will be D-shaped and not be able to play properly. And if one or two strings are damaged, we can repair it easily within minutes. There is no need to change whole string of racket. We can change only the damaged strings and play with the same racket string। तो इसको चेंज करने का जो है वो बहुत ही आसान मेथड है। मैं आपको बता, तो सबसे पहले इसकी जो स्ट्रिंग टूट चुकी है उसको हमने किसी होल के अंदर से अटैच करके इसको हमने फिक्स अप करना है। जैसा कि मैं आपको ये यहाँ से इसको हम इसके बिल्कुल साथ वाले होल में फिक्स कर देंगे। इसको हम हमारे पास जो है ये रैकेट का ही हैंडल है, इसके साथ इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेंगे। इसको इसके साथ हमने स्ट्रेच कर लिया। स्ट्रेच करने के बाद इसके अंदर हम यहाँ पे पिन लगा देंगे। ये बारीक सी पिन आपको बना के एक अपने पास रखनी पड़ेगी। इट इज़ अ नीड ऑफ ए बैडमिंटन प्लेयर, सो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन रिपेयर द रैकेट ऑफ योर कट इजीली। आफ्टर दिस ये देखें, अब इसकी जो ये तार टूटी हुई थी इस ये बिल्कुल टाइट अपनी जगह पे फिक्स हो चुकी है। इसको हम यहीं पे नॉट लगा के बंद कर देंगे और ये जो इसका एंड है ये प्रॉपरली यहाँ पे सेव हो चुका है। ये इससे आगे जो इसकी पीछे वाली ये गट है ये अब लूज़ नहीं होगी। इसको हमने यहाँ पे नॉट लगा के अच्छी तरह से फिक्स कर देना है और आहिस्ता से इस पिन को रिमूव कर देना। और इसको जो एंड है इसको हम कैंची की मदद से यहाँ से कट कर देंगे। ये देखें जी, ये हमारी जो इसकी यहाँ से स्ट्रिंग थी इसको हमने टाइट करके बांध दिया। अब ये इससे पीछे इसको लूज़ नहीं होने ली। इसी तरह से इसका दूसरा एंड हम लेते हैं जो इस तरफ से टूटा हुआ, इसको भी हम पहले स्ट्रेच करेंगे। इसी तरह इसके अंदर डालेंगे, यहीं पे भी इसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं। इसको भी उसी तरीके से स्ट्रेच करने के बाद इसके अंदर जो है हम ये पिन लगा देते हैं। ये देखो, इसको भी स्ट्रेच करके इसके अंदर हमने पिन लगा दिया। अब ये इससे पीछे इसको भी लूज़ नहीं होने देगी, तो इसको भी हम बिल्कुल इसके साथ वाले होल में, अगर इसमें इसकी एडजस्टमेंट ना हो नेक्स्ट में जहाँ पे भी ये एडजस्ट हो रही है उसको आसानी के साथ किसी भी एक होल के अंदर हमने उसको मीन्स टाई करना होता है, ताकि ये दोबारा से इसको इससे पीछे वाली जो हमारी स्ट्रिंग है उसको लूज़ अप ना होने दे। इस तरह से हम इसको बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट करने के बाद ये अपनी जो पिन है इसको इजीली रिमूव कर देंगे। ये देखिए जी, ये हमारी स्ट्रिंग इसको यहाँ तक बिल्कुल फिक्स अप हो चुकी है। इसको हम फिर पहले की तरह कैंची की मदद से कट कर देंगे। अब इसके करने से जो हमारी स्ट्रिंग है रैकेट की, इसके लूज़ होने के जो चांसेस थे वो काफ़ी हद तक जो हैं वो फिक्स अप हो चुके हैं। ये जो इसने लूज़ होना था वो तो बेसिकली हो चुकी है, लेकिन इससे मज़ीद जो है ये ख़राब नहीं होगी। अब हमें चाहिए पीस ऑफ न्यू स्ट्रिंग, सेम कलर का आपके पास पड़ा हो तो गुड एंड वेल, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन स्ट्रिंग जो है वो पीस अच्छे स्ट्रिंग का होना चाहिए। इसको हम हमारे पास ये पड़ा हुआ है तो इसको हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। तो इसको यूज़ करने का मेथड व्यूज़,
मैं आपके सामने अभी इसको इसके अंदर यूज़ करूँगा। अब हम देखें कि ये जो बिल्कुल इसका लास्ट वन होल है तो इसमें हम इसको एडजस्ट नहीं कर सकेंगे, इसलिए हम इसको इस तरफ से शुरू करेंगे। यहाँ से हम इसको शुरू करते हैं। तो इस ये देखें जी व्यूज, इसको हमने इस होल के अंदर से गुजारा, उसके बाद हम इसको यहीं पे नॉट दे देंगे। वैसे तो एक नॉट भी इनफ है, लेकिन मज़ीद इसको आप जो है मजबूत करने के लिए डबल नॉट भी लगा सकते हैं। इसको डबल नॉट लगाने के बाद हम इसको अब इसके डबल नॉट लगाने के बाद इसको कैंची की मदद से बिल्कुल ध्यान के साथ इसको हमने कट कर देना है। और ये अब इस तार को अपनी इस स्ट्रिंग को हम यहाँ से इसके अंदर टाई करना शुरू करेंगे, ऑपोजिट ऑफ द लास्ट स्ट्रिंग, जिस आपकी जो है फ्रीक्वेंस के साथ ये लास्ट वाली स्ट्रिंग गुजरी हुई है उसके ऑपोजिट हमने इसको इसके अंदर गुजारना है। ये अब इसके ऊपर से है तो हम यहाँ से नीचे से फर्स्ट वन के नीचे से स्टार्ट करेंगे और इस तरह से आगे चलते चलते इसको हम आगे ले जाएंगे। ये आपने बस ख्याल रखना है कि आपने उस स्ट्रिंग के ऑपोजिट इसको लेके उसके अंदर से हमने गुजार। तो ये एक दो स्ट्रिंग्स जो हैं वो मोस्टली रैकेट की खेलते हुए टूट जाती हैं, उनको रिपेयर करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आप इजीली उसको ख़ुद से रिपेयर जो है वो कर सकते हैं। तो ये अब इसके होल से हम इसको बाहर लेके होल स्ट्रिंग जो है हम इसको वापस यहाँ पे खींच लेंगे। इसके बाद देखिए व्यूअर्स, ये इसकी निपल्स जो हैं इनका ख़ास तौर पे आपने ख्याल रखना है कि ये जो हैं डैमेज ना होने पाए। अब इसको हम फिर उसी तरह से ये हैंडल के ऊपर रोल करके इसको हम टाइट कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि ये जो हमारी स्ट्रिंग है ये सेंटर ऑफ द रैकेट है, तो इसकी जो है वो हमें इसको टाइट करने की ज़रूरत अच्छे तरह से है। अब इसमें हम इसी तरह से पिन लगा के इसको वापस लूज़ होने से रोक लेंगे, इसको हम यहाँ पे टाइट कर लेंगे। इसी तरह से इसको अब हम इस तरफ से एंटर करेंगे और यहाँ से हम इसको जो है इसके, क्योंकि ये होल स्टार्ट वाले काफ़ी बारीक होते हैं इसलिए थोड़ा सा इसमें, अब देखिए ये दो स्ट्रिंग्स जो हैं बिल्कुल सेम सीक्वेंस के साथ जा रही हैं, ये दोनों सेम सीक्वेंस के साथ जा रही हैं, इनको हम अब इन दोनों के ऑपोजिट जो दरमियान वाली है दोनों के ऑपोजिट इसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे। क्योंकि रैकेट की जो होल स्ट्रिंग है इसको चेंज करना जो है वो नॉर्मल प्लेयर्स के लिए एक काफ़ी मसला होता है, काफ़ी इसकी कॉस्ट होती है, 700-800 जो है वो एक नॉर्मली स्ट्रिंग जो है आजकल कॉस्ट दे रही है, तो उसको हम किस तरह से कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, अपनी स्ट्रिंग को दोबारा से किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। ये देखिए अब इस रैकेट को हम जो है गेम के अंदर बड़ी आसानी के साथ यूज़ कर सकेंगे विदाउट एनी कॉस्ट। हमने अपना ये रैकेट दोबारा से जो है कारामद बना लिया है, इसकी मदद से अब हम गेम प्ले कर सकते हैं और इसमें इंशाल्लाह ताला फ़र्क भी जो है वो नहीं आएगा। इसी तरह इसको दूसरे एंड पे लाने के बाद अब हम इसको फिर से टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद ये देखिए इसकी स्ट्रिंग बिल्कुल उसी स्ट्रेंथ के ऊपर आ गई है, तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करने के बाद इसी वाले होल के अंदर हम पिन लगा के इसको यहाँ पे टाइट कर देंगे।
देखिए भैया, ये हमने इसको पिन लगा के इसके अंदर टाइट कर दिया। अब जैसे ही हम इसको ये छोड़ देंगे, यहाँ से स्ट्रिंग को हैंडल के ऊपर से उतार देंगे, तो ये अपनी जगह पे फिक्स हो चुकी है, वापस लूज़ नहीं होगी। इसको हमने जहाँ पे टाइट करना था ये वहीं पे खड़ी रहेगी। अब इसको फिर हम इसके किसी भी होल में जिसके अंदर ये इजीली एडजस्ट हो जाए, वहाँ पे जाके इसको अच्छी तरह से स्ट्रेच करने के बाद नॉट लगा देंगे, और ये हमारा रैकेट जो है वो रिपेयर हो चुका है, और बिल्कुल इसके साथ अब हम जो है बिल्कुल पहले की तरह खेल सकते हैं। तो ये था नाज़रीन, विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी डिफ़िकल्टी हम अपने रैकेट को खुद से, किसी के पास हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये एक दो चीज़ें जो हैं ये आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। एक छोटी सी पिन टाइप ये आपके पास होने चाहिए, तो हैंडल है रैकेट का, इसके अलावा कोई भी चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं इसको स्ट्रेच करने के लिए, क्योंकि हाथ की मदद से अगर हम इसको स्ट्रेच करते हैं तो थोड़ा सा ये हाथ में चुभती है स्ट्रिंग जो है, सारी बात है आप लोग समझते हैं इसको। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करके इसको हम टाइट कर देते हैं, और इसको हम पिन को आहिस्ता से रिमूव कर दिया हमने, तो ये स्ट्रिंग अपनी जगह पे बिल्कुल उसी तरह से आप देख सकते हैं, इसमें कोई भी इशू जो है वो जितनी स्ट्रिंग इसकी बाकी है बिल्कुल उसी तरह ये फिक्स अप हो चुकी है। कैंची की मदद से ये एक्स्ट्रा जो है स्ट्रिंग हम यहाँ से बिल्कुल एहतियात के साथ इसको हम कट कर देंगे, और ये नाज़रीन हमारा जो रैकेट है बिल्कुल पहले की तरह तैयार हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने रैकेट की एक दो चार स्ट्रिंग्स तक जो है, लेकिन बेसिकली इसमें देखने की बात यह है कि रैकेट डी शेप ना हुआ हो। बास टाइम ऐसा होता है कि जैसे ही स्ट्रिंग टूटती है, रैकेट की स्ट्रिंग ज़्यादा स्ट्रेंथ के ऊपर उसको स्ट्रिंग किया गया होता है, तो वो जैसे ही आपकी एक आध वायर जो है वो टूटती है, आपका रैकेट डी शेप होना शुरू हो जाता है। तो उस सूरत में फौरी तौर पर आपके पास एक कैंची होनी चाहिए, और आप अपने रैकेट की गट जो है अगर इस तरफ से वो डी शेप हो रहा है तो फौरी तौर पे उसको आप यहाँ से कट कर देंगे अपनी वायर को, ताकि रैकेट जो है वो डी शेप ना हो। उसके अंदर स्ट्रिंग तो हम दोबारा से करवा सकते हैं, लेकिन रैकेट का जो फ्रेम है वो डी शेप होने से बच जाए। लेकिन अगर हमारा रैकेट डी शेप नहीं हो रहा किसी ऐसी जगह से, जैसे ये बिल्कुल सेंटर था तो ये डी शेप नहीं हुआ, या इस तरह से हमारी कोई वायर टूट जाती है एक आध यहाँ से वो नीचे ज़मीन के साथ कोर्ट के ग्राउंड के साथ टच करने से, या किसी भी तरह से कोई स्ट्रिंग एक या दो टूट जाती हैं, तो उसको हम इस तरीके के साथ बड़ी आसानी से खुद से इसको हम टाई अप करके दोबारा से अपने रैकेट को यूज़ में ला सकते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही मालूमाती जो है वो वीडियो इंफॉर्मेटिव लेके आएंगे, जिसके अंदर हम आपको होल रैकेट की जो सेटरिंग है उसको जो है इसके अंदर जो न्यू फ्रेम होता है उसके अंदर सेटरिंग करने का जो मेथड है उसको हम जो है एक नॉर्मल रेंज तक किस तरह से हम बाय हैंड सेटरिंग आप कर सकते हैं अपने रैकेट को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।